Good morning, friends. Yesterday we have studied about the crops, what is crop and what are the types of crops, and we have also explained that the basic steps which are done by the farmers to prepare for agriculture. So friends, once again we are just going to proceed with basic practices of crop production. In order to raise a crop, यानी कि cultivation के लिए जब हम crop cultivation करते हैं तो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए एक फार्मर बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है वन बाय वन इन सीक्वेंस. द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप इन सीक्वेंस आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर यानी कि ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, लेकिन जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए जो बेसिक स्टेप्स हैं वो क्या है, पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड इज सोइंग जिसे हम बोलते हैं बीजारोपण यानी सीड जर्मिनेशन, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, इरिगेशन करते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को रिमूव करते हैं, हार्वेस्टिंग एंड द स्टोरेज ऑफ फूड. दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे एक बेबी की हम टेक केयर करते हैं, जैसे एक छोटा सा बेबी होता है बेबी को हम टेक केयर करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी प्लांट क्रॉप्स की या प्लांट्स की टेक केयर करना पड़ता है पूरा. जैसे हम बच्चे को फीडिंग करवाते हैं वैसे ही हम क्रॉप्स को भी, उनको भी खाना टाइम टू टाइम, वाटर डालना हमें, यानी कि खाना जो प्लांट का खाना होता है वो क्या होता है, मैन्योर हो गया और वाटर हो गया. तो यहाँ पर भी हमें टाइम टू टाइम प्लांट को खाना देना पड़ता है, टाइम टू टाइम हमें वाटर देना पड़ता है, जिस तरीके से एक बेबी को देना पड़ता है. ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल. जो हमारे अर्थ की जो अपर लेयर होती है उसे हम सॉइल कहते हैं. क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल, और जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में ही ग्रो अप करते हैं. सॉइल क्या करते हैं, मिनरल, वाटर, एयर, ह्यूमस और एंकरेज प्लांट को प्रोवाइड करते हैं. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है ये फर्स्ट स्टेप है कल्टीवेशन का. सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड ऑफ क्रॉप्स. सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है जिससे कि उसमें बीज लगा सकें. और सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय प्लॉगिंग, बाय लेवलिंग और बाय मैन्योरिंग. ओके, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, यानी कि जिस प्रोसेस के द्वारा हम सॉइल को लूज करते हैं, टर्न अप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉगिंग. हल से जोतते हैं उसको, हल से या ट्रैक्टर से उसको जोता जाता है, यानी कि जो मिट्टी होती है जो टाइट हो जाती है उसको हम टिलिंग करते हैं. और जो प्लॉगिंग और टिलिंग होती है ये इम्प्लीमेंट्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि प्लॉग जो होता है वो वुड और आयरन का बना होता है, उनमें आयरन टिप होती है जो सॉइल में जाता है और सॉइल को पुल आउट करता है. एंड द प्लॉग आर पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ बुलक, और जो प्लॉग होता है वो बुलक्स के यानी कि बैलों के द्वारा खींचा जाता है, और बाय अ ट्रैक्टर या फिर ट्रैक्टर के द्वारा होता है. यू कैन सी द फिगर 2 एंड फिगर 3. फिगर 2 में एक किसान है जो कि प्लॉग विद द हेल्प ऑफ प्लॉग वो प्लॉगिंग कर रहा है, और दूसरा है जो प्लॉगिंग ऑफ फील्ड हो रही है बाय यूजिंग द ट्रैक्टर हो रही है. लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लॉगिंग इज बेनिफिशियल. क्यों बेनिफिशियल है, अगर हम यानी कि सॉइल को लूज नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं. हम सीड्स इजीली हम सीड्स को हम शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो सॉइल को हम लूज करते हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सॉइल लूज हुई तो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो फ्रीली सॉइल के अंदर तक डीपर तक जाते हैं और सॉइल को पकड़ के रखते हैं. दूसरा, लूज सॉइल जो होता है इट अलाउ द रूट ऑफ प्लांट टू ब्रीथ इजली प्लांट को ब्रीथिंग होती है. लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स, यानी कि सॉइल अगर लूज हो जाती है तो उससे वॉर्म्स और माइक्रोब्स जो सॉइल में होते हैं वो भी अच्छे से, उनकी भी ग्रोथ अच्छे से होती है, जो कि सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं. और जो वॉर्म्स होते हैं लाइक अर्थ वॉर्म्स, दे आर द गुड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर. प्लॉगिंग ऑल्सो अपरूट एंड बरीज द वीड्स स्टैंडिंग इन द फील्ड. प्लॉगिंग से क्या होता है कि जो खेतों में जो वीड्स है, अनवांटेड प्लांट है, वो भी उनको भी उखाड़ देते हैं, उखड़ जाते हैं.
और वो बरीड हो जाते हैं। लूजनिंग एंड टर्निंग से जो प्लॉग यानी कि जो प्लॉगिंग के द्वारा जो प्लॉगिंग के समय में जो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल होती है उससे क्या होता है, सॉइल न्यूट्रिएंट रिच बन जाते हैं। सो इफ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ही ड्राई है तो हम फिर क्या करते हैं, इट ब्रेक इन टू अ लार्ज एंड मड क्रम्ब, उनमें बड़े बड़े मिट्टी के ढेले जैसे मिट्टी के ढेले निकलते हैं, यानी कि ढेले मीन्स मिट्टी के बड़े बड़े से पत्थर के शेप में निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रम्ब बोलते हैं। मड क्रम्ब आर देन, उन मड क्रम्ब को क्या करते हैं, सॉइल प्लैंक से तोड़ा जाता है, क्रम्ब क्रशर आता है उससे तोड़ा जाता है। आफ्टर दैट लूजनिंग और टिलिंग के बाद में द प्लॉग सॉइल, जो सॉइल प्लॉग्ड हो चुकी है उसको लेवल किया जाता है बाय प्रेसिंग इट विद अ वुडन लेवलर, एक वुडन लेवलर आता है या आयरन लेवलर आता है जो टॉप सॉइल में चलाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो लेवल में हो जाती है, और जब हवा चलती है तो हवा या पानी हवा हुई या बारिश आई तो वो जो मिट्टी होती है वो ब्लो नहीं करती है। ओके, मैन्योर मीन्स एडिंग मैन्योर टू द सॉइल, मैन्योरिंग मतलब होता है कि सॉइल में मैन्योर ऐड करना। मैन्योरिंग इज़ डन, मैन्योरिंग हम क्यों करते हैं, मैन्योरिंग इसलिए किया जाता है जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े, और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो सीड्स भी अच्छे से ग्रो अप करेंगे। नाउ द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, प्लॉग हो गया, हो एंड कल्टिवेटर, जो मेन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है जो कि हम लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, प्लॉग हो एंड कल्टिवेटर। प्लॉग के बारे में आप जानते ही हैं, प्लॉग कैसा होता है, जो प्लॉग होता है प्लॉग में लार्ज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता है विच इज़ यूज फॉर प्लॉगिंग, तो प्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है सॉइल फील्ड में, सॉइल को टिलिंग के लिए। सबसे पहले ट्रेडिशनली अगर हम देखें पुराने समय में देखें तो पुराने समय में वुडन प्लॉग ही यूज़ किया जाता था, जैसे कि फिगर 4 में दिखाया जा रहा है। उसमें एक एंड में हैंडल होता है, ठीक है, जो हैंड प्लॉग शाफ्ट होता है, प्लॉग शाफ्ट के राइट एंगल में देयर इज़ अ वन एंड ऑफ प्लॉग शाफ्ट, प्लॉग शाफ्ट के वन एंड में एक वुडन बीम होती है जो कि राइट एंगल में फिक्स होती है, और जो दूसरा एंड होता है जो कि जो ये वन एंड हुआ ये कहाँ पर बुलक के नेक में रखा जाता है टू पुल अ प्लॉग, जिससे कि वो प्लॉग को खींच सके। एंड द प्लॉग इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुलक, और जो प्लॉग होता है वो बुलक्स के द्वारा खींचा जाता है। व्हेन द प्लॉग इज पुल्ड बाय अ बुलक, जब ये प्लॉग बुलक के द्वारा खींचा जाता है यानी हल जब बुलक के द्वारा खींचा जाता है तो फार्मर क्या करता है, प्लॉग का हैंडल पकड़ लेता है एंड इट प्रेस डाउन द हैंडल, और वो हैंडल को प्रेस करता है नीचे की ओर। फार्मर होल्ड द हैंडल ऑफ प्लॉग एंड प्रेस डाउन द हैंडल ड्यू टू विच, जिससे कि प्लॉग शेयर जो होता है वो सॉइल में इजिली डिग करे और उसको लूज कर सके और टर्न अप कर सके। जो ट्रेडिशनल वुडन प्लॉग था इट इज इंक्रीज, और उसको आज की डेट में आयरन प्लॉग से चेंज कर दिया गया है। हो जो है वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग अ वीड, जो वीड्स को रिमूव करने में हेल्प आता है, करते हैं, लूज सॉइल को टर्न अप और लूज करने में हेल्प करता है। हो जो होता है ये पूरा लॉन्ग रॉड होता है जो कि वुड और आयरन से बना होता है, उसका हैंडल होता है वन एंड में, हो के वन एंड में हैंडल होता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट होती है आयरन की जो कि हैंडल के नीचे होता है, एंड इट एक्ट लाइक अ ब्लेड, वो ब्लेड की तरह काम करता है, उसे हम बेंट प्लेट कहते हैं। और अदर एंड में क्या होता है, अदर एंड में एक बीम होती है जो कि बुलक्स के यानी कि जो बुल्स होते हैं ऑक्स होते हैं ऑक्स के नेक में रखा जाता है। अ हो इज ऑल्सो पुल्ड बाय एनिमल, हो भी पेयर ऑफ बुलक्स के द्वारा ही खींचा जाता है। कल्टिवेटर जो है ये ट्रैक्टर ड्राइविंग यानी ट्रैक्टर के द्वारा चलता है, एंड विच इज़ यूज फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, जो फील्ड को लूज करने में टर्न अप करने में हेल्प करता है। जो कल्टिवेटर हैज़ मेनी प्लॉग शेयर, कल्टिवेटर में बहुत सारे प्लॉग शेयर होते हैं विच कैन डिग, जो कि सेम टाइम में और कम समय में फील्ड को लूज कर देता है और टर्न अप कर देता है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से मेनी फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स बहुत ही शॉर्ट टाइम में कल्टिवेट किए जा सकते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव द लेबर एंड टाइम, जो कल्टिवेटर के यूज़ से क्या होता है कि लेबर और टाइम दोनों सेव होते हैं। नाउअडेज प्लॉगिंग ऑफ लार्ज फील्ड, जो लार्ज फील्ड होते हैं बड़े बड़े खेत होते हैं उनको ट्रैक्टर से ही
कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट इज अवर सोइंग। वंस द सॉइल इज फील्ड, वंस सॉइल फील्ड हैज़ बीन प्लॉग्ड, यानी एक बार जब सॉइल फील्ड प्लॉगिंग हो गई, लेवलिंग हो गई, मैन्योरिंग हो गई, अब क्या आता है उसका नेक्स्ट स्टेप आता है सीड्स, यानी कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड की सिलेक्शन होती है, और उसके बाद में उस जो सीड्स होते हैं द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स, सीड्स को ग्राउंड में स्कैटर किया जाता है जिससे कि वो ग्रो अप कर सके और प्लांट ग्रो करे अच्छे से। तो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स और पुटिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट दैट इज कॉल्ड अ सोइंग। सोइंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, लेकिन सोइंग से पहले ये होता है कि गुड क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि गुड जो कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को अगर हम नहीं सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन होगी वो अच्छी नहीं होगी। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन, गुड क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उनको क्लीन किया जाता है, हेल्दी किया जाता है, डिजीज़ फ्री किया जाता है, उनमें से इन्फेक्शन हटाया जाता है। एंड फार्मर प्रेफर टू यूज़ अ सीड विच गिव हाई यील्ड। जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर भी उन्हीं सीड्स का सिलेक्शन करते हैं उन्हीं जो कि अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन करे। वी कैन सेलेक्ट अ गुड हेल्दी सीड्स, हमें हमेशा गुड और हेल्दी सीड्स का ही सिलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। जो सीड्स को सो करते हैं वो दो मेथड से करते हैं, सोइंग बाय वो हैंड और सोइंग विद सीड ड्रिल। मैनुअली भी किया जाता है, मैनुअली कैसे, हैंड से। किसानों को देखा होगा दे टेक द सीड्स इन द हैंड, वो हैंड में ले लेते हैं और ग्रेजुअली वो स्कैटर करते हैं प्लॉक्स में। एंड दिस मेथड इज नॉट वेरी गुड, ये मेथड कोई अच्छा भी नहीं है, क्योंकि देर इज़ नो प्रॉपर स्पेसिंग, क्योंकि सीड्स के बीच में कोई प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होती है, प्रॉपर डेप्थ नहीं होती है, और जिसकी वजह से सीड्स स्कैटर हो जाते हैं, आधे तो हमारे बर्ड्स पिकअप कर ले जाते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल एक लॉन्ग आयरन ट्यूब होती है जिसमें एक फनल होता है टॉप में, और जो सीड ड्रिल का एक एंड होता है वो सॉइल के अंदर जाता है, उसमें से सीड्स डाले जाते हैं, और जो सीड होते हैं वो फरो से सीधा डायरेक्टली सॉइल में जाता है, और एक करेक्ट डेप्थ में जाता है, करेक्ट स्पेस में जाता है, दो प्लांट के बीच में, दो सीड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जो सीड प्लांट भी अच्छे से ग्रो अप कर पाते हैं। आप देख सकते हैं फिगर 8 में जो कि सीड ड्रिल है, ये ट्रैक्टर के साथ में ही अटैच किया जाता है। सोइंग विद सीड ड्रिल इज़ मच बेटर देन सोइंग बाय हैंड, यानी कि सीड ड्रिल से जो हम सोइंग करते हैं वो सोइंग ऑफ हैंड से काफ़ी बेटर है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप लाइक अ वीट, ग्राम, मेज एंड मिलेट्स एक्सेट्रा आर ग्रोन बाय सोइंग द सीड डायरेक्टली इनटू द सॉइल। आज भी है कि जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, मेज मिलेट्स हो गए, ये कैसे ग्रो अप करते हैं, बाय सोइंग द सीड डायरेक्टली इनटू द सॉइल, यानी कि सीड ड्रिल से ही करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्रॉप प्लांट नीड अ नंबर ऑफ मिनरल्स, क्रॉप्स को बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि रिपीटेडली हम क्रॉप्स को ग्रो अप कर रहे हैं सेम फील्ड में, तो बहुत सारे मिनरल्स उसमें से रिमूव हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो जाते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर उस फील्ड में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज मेड बाय, जो इसकी डिफिशेंसी है इसको कैसे रिमूव किया जाता है, बाय एडिंग अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन निकलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में मालूम होना चाहिए कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। मैन्योर जो होता है ये नेचुरल सब्सटेंस होता है विच इज़ ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, किचन वेस्ट और प्लांट वेस्ट। जो मैन्योर है ये नेचुरल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक है, जो कि किचन वेस्ट से, एनिमल वेस्ट से और प्लांट वेस्ट से पाया जाता है। मैन्योर इज़ नॉट वेरी रिच इन एसेंशियल प्लांट, जो मैन्योर होता है वो प्लांट की न्यूट्रिएंट्स में एसेंशियल नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉपरली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम नहीं पाया जाता, लेकिन ये सॉइल को
ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, यानी कि सॉइल में ह्यूमस बहुत अच्छा होता है और सॉइल को फर्टाइल बनाता है। मैन्योर इज एब्जॉर्ब स्लोली बाय प्लांट, मैन्योर जो होते हैं ये स्लोली स्लोली प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं बिकॉज क्योंकि ये जल्दी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, मैन्योर को फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र क्या है, ये मेन मेड है, केमिकल से बना हुआ है। इट इज़ अ सॉल्ट, ये सॉल्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम काफ़ी पाया जाता है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, ये सॉइल को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है। इट इज़ नॉट, ये सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस करता है। इट बींग सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल तो है। अ फर्टिलाइजर इज रेडिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, और फर्टिलाइजर जो है ईजिली प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइजर होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं। अब फर्टिलाइजर के अगर हम एग्जाम्पल दें तो फर्टिलाइजर की जो एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, डी ए पी, एन पी के, ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर, जब हम ऑर्गेनिक मैटर, मैन्योर इज कंसिडर बेटर, ऑर्गेनिक मैन्योर को बेटर क्यों बोला जाता है, कि ऑर्गेनिक मैन्योर को बेटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो पानी सोखने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस, सॉइल को ये पोरस बनाता है, जिसकी वजह से यानी कि सॉइल को पोरस मुलायम बनाता है, यानी कि जिससे कि एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इजीली टेक प्लेस कर सके। मैन्योर इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल, जो मैन्योर्स होते हैं वो सॉइल में यूजफुल माइक्रोब्स की क्वांटिटी बढ़ा देता है, जिससे कि जो कि सॉइल के लिए यूजफुल होते हैं और प्लांट के लिए भी यूजफुल होते हैं। मैन्योर इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और जो मैन्योर होता है वो सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। दूसरा भी मेथड है रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू द क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी हम सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच रख सकते हैं। जो पल्सेस हैं, बी पीस हो गए, बीन्स हो गए, ग्राउंड नट हो गए, ग्राम एंड क्लोवर, ये क्या होते हैं, लेगमिनस प्लांट होते हैं। जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, इन लेगमिनस प्लांट के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जिन्हें हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, विच कैन डायरेक्टली फिक्स द नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ये जो लेगमिनस प्लांट होते हैं इनके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द लेगमिनस क्रॉप्स हैव अ एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म अ नाइट्रोजिनियस कंपाउंड। नाइट्रोजिनियस कंपाउंड कौन से हुए, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट। नाइट्रोजिनियस कंपाउंड गो इनटू द सॉइल, नाइट्रोजिनियस कंपाउंड सॉइल में जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये जो नाइट्रोजिनियस कंपाउंड है दे आर यूज बाय द लेगमिनस क्रॉप्स, ये लेगमिनस क्रॉप यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और रेस्ट ऑफ द नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इरीगेशन। इरीगेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू अ क्रॉप्स इन द फील्ड इन इंटरवल ऑफ अ टाइम, यानी कि समय समय के अनुसार क्रॉप प्लांट्स को वाटर सप्लाई करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इरीगेशन कहलाता है। अगर जितने भी क्रॉप प्लांट हैं दे नीड अ वाटर फॉर देयर ग्रोथ, वाटर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, एंड द क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल, और जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज नॉट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि जो वाटर की अमाउंट है सॉइल में वो पूरे साल कॉन्स्टेंट नहीं रहती है। वाटर फ्रॉम द सॉइल इज लॉस्ट, कुछ समय के बाद में वाटर लॉस हो जाता है बाय इवेपोरेशन और बाय परकोलेशन, इवेपोरेशन और परकोलेशन के द्वारा। सो इफ वी स्टॉप वाटरिंग प्लांट, अगर हम प्लांट को वाटरिंग करना बंद कर देंगे, चाहे घर हो चाहे फील्ड हो, तो प्लांट्स पेल हो जाएंगे क्योंकि उनको वाटर नहीं मिलेगा। वाटर इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट, along with water and mineral fertilizer are also absorbed by the crop।
यानी क्रॉप प्लांट को वाटर के साथ साथ में मिनरल और फर्टिलाइजर भी पहुंचते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर, प्लांट में 90% वाटर होता है। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज के जो इरीगेशन होते हैं, यानी कि इरीगेशन के जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, प्रॉपर सप्लाई वाटर फ्रॉम इरीगेशन, वाटर फॉर इरीगेशन फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से क्रॉप को वाटर सप्लाई किया जाता है, लाइक अ रिवर, कैनल, वेल्स, ट्यूब वेल्स, डैम्स, पॉन्ड, लेक्स, इवन रेन जो है, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन ऑफ क्रॉप। वाटर अवेलेबल इन द वेल, लेक एंड कैनल, दैट इज डिफरेंट बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग टू द फील्ड। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, जो पुराने मेथड थे इरीगेशन के, वो कैसे था, मोट, चेन पंप, ढेकली, राहट। मोट क्या है, पुली सिस्टम है, राहट क्या है, लीवर सिस्टम है। मोट पहले के समय में मोट होता था, वाटर को कुएं से निकाला जाता था बाय यूजिंग अ बिग कंटेनर, एक बड़े कंटेनर का इस्तेमाल करके उसमें रस्सी बांधी जाती थी, जो पुली के द्वारा, जो पुली होती है गलारी टाइप की होती है, जो कि लकड़ी की बनी होती है, तो उसके द्वारा उसमें जो पुली होती, रोप होता है, रोप को पुली में, पुली उसको रोप को क्या करता है, रोटेशन में हेल्प करता है। रोप के वन एंड में एक लार्ज कंटेनर होता है और दूसरा जो एंड होता है वो भुलक के नेक में बांधा जाता है। व्हेन द रोप इज पुल्ड एट द फ्री एंड, द कंटेनर फिल्ड विद वाटर, पहले फ्री हैंड उसको बांधो, रोप को नीचे डाला जाता है और उसके बाद में जो बुलक होता है, बुलक ऑक्स जो होता है, ऑक्स उसको खींचता है और भरा हुआ कंटेनर बाहर आता है और यह प्रोसेस रिपीटेडली होता है। चेन पंप, चेन पंप की अगर बात करें तो हैंड पंप्स जैसे हो गए, ये आजकल चल रहे हैं, ठीक है, तो चेन पंप जो है हैंडल होते हैं इनमें, चेन पंप्स में उसको रोटेट किया जाता है वाटर। चलो समझा देते हैं, चेन पंप इज द अरेंजमेंट, चेन पंप एक ऐसा अरेंजमेंट होता है टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ वाटर लाइक ए स्ट्रीम, पॉन्ड और लेक, सो एज टू प्रोवाइड इरीगेशन इन द फील्ड। चेन पंप जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज व्हील, इसमें दो लार्ज व्हील होते हैं, वन फिक्स्ड इज द लोअर लेवल ऑफ द वाटर सोर्स, एक तो वाटर सोर्स के पास में होता है और जो दूसरा होता है वो हायर लेवल में, यानी फील्ड से काफ़ी हाई लेवल पर होता है। टू व्हील्स आर कनेक्टेड, दोनों व्हील्स को किससे कनेक्ट किया जाता है, एक चेन से कनेक्ट किया जाता है जो कि पास उनके ऊपर से पास होता है। ऑन द अदर हैंड चेन आर हंग स्मॉल बकेट, चेन में एक स्मॉल बकेट लटकाया जाता है बिलो द बॉटम व्हील, नीचे वाले व्हील में, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ वाटर। अ हैंडल इज अटैच टू द एक्सल ऑफ द अपर व्हील, और जो अपर व्हील होता है उसमें एक हैंडल होता है, हैंडल को रोटेट किया जाता है बाय फार्मर, फार्मर उसको रोटेट करता है, तो जो व्हील कनेक्टेड होते हैं चेन के द्वारा तो वो भी रन अप करते हैं, जब वो रन अप करते हैं तो बकेट स्ट्रीम में जाता है, भरता है, भरने के बाद में वाटर आता है एंड वो वाटर को फिर खाली कर दिया जाता है। इसी तरीके से ढेकली है, ढेकली भी एक तरीके से कुएं वाला ही सिस्टम है, उसमें एक वुडन लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, एक एंड में बकेट बांधा जाता है, दूसरे एंड में एक स्टोन बांधा जाता है। राहत हो गया, लीवर सिस्टम हो गया, लीवर सिस्टम में भी ऐसे ही रोटेशन होते हैं, राहत सिस्टम जो हो गया, वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द वेल, वेल से पानी निकाला, कुएं से पानी निकाला जाता है और इरीगेशन किया जाता है। आप रीड कर लेना, ये जो ट्रेडिशनल वे है, जो आज की डेट में जो मॉडर्न मेथड्स आए हैं, ट्यूबवेल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड में देर आर टू मेन मॉडर्न मेथड, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरीगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है उसमें, यानी कि फुहारे वाला सिस्टम है, आपने देखा होगा पार्क्स में कि फुहारे में से वाटर निकलते हैं और मतलब पूरे फील्ड को सिंचाई करते हैं, उसे बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में देखें तो एक परपेंडिकुलर पाइप होता है, उसमें एक रोटेटिंग नोजल होता है टॉप में,
जो कि मेन पाइपलाइन के साथ में ज्वाइन होता है और रेगुलरली वो रेगुलर इंटरवल में वाटर वो फ्लो करता है उस नॉजल से, स्प्रेइंग सिस्टम जिसे बोलते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम को हम स्प्रे सिस्टम भी कहते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के लिए बहुत ही ये बेटर। ड्रिप इरीगेशन जो होता है, ड्रिप इरीगेशन एक नेटवर्क होता है पाइप का, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फिगर 20 में, ये ड्रिप इरीगेशन है। ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जाता है, एक नैरो पाइप का नेटवर्क होता है जो कि स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं इसी कहाँ पर प्लांट के पास में। व्हेन वाटर फ्लो, जब वाटर फ्लो करता है तो नैरो पाइप से, तो इट वाटर गो एट द पोजिशन ऑफ रूट ऑफ द प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड दिस वाटर, ये जो वाटर होता है इट इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इन द रूट जोन, और रूट जो होते हैं इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ रिमूवल ऑफ वीड्स। अब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं यानी मेन क्रॉप के साथ में अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो अप कर जाते हैं, व्हेन वी ग्रो अप फूड क्रॉप इन द फील्ड देन द अनवांटेड प्लांट्स ऑल्सो ग्रो अलॉन्ग विद इट। सो द अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीड्स कहते हैं। एंड द टाइप ऑफ वीड वेरी फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, हर फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीड्स होते हैं, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन समय के अनुसार। जैसे कि अगर जो कॉमन वीड्स हैं वो कौन से हैं, जैसे वाइल्ड ओट जिसे बोलते हैं जवी, ग्रास हो गया, एमरेंथस हो गया जिसे बोलते हैं चौलाई बोलते हैं, ठीक, सीनोपोडियम बोलते हैं जिसे बोलते हैं भथुआ। वीड्स आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप, जो वीड्स होते हैं ये क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड, उसको फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए जिससे कि जो मेन क्रॉप है मेन क्रॉप को कोई हार्म ना पहुँचे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड से इन वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको वीडिंग कहते हैं। एंड वीडिंग इज नेसेसरी, वीडिंग भी जरूरी है बिकॉज वीड्स कम्पीट विद क्रॉप प्लांट, वीड्स जो होते हैं वो क्रॉप प्लांट के साथ में कम्पीट करते हैं। वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट और स्पेस ये सभी यूज करते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर द प्रोड्यूस ऑफ फ्लावर एंड सीड्स, और बेस्ट टाइम जो होता है वीड्स को रिमूव करने का कि जब मेन प्लांट जो है फ्लावर और सीड्स, मेन जो प्लांट है मेन क्रॉप है उसमें फ्लावर और सीड निकलने से पहले जो वीडिंग होती है इट इज़ डन बाय हैंड, हैंड से भी होता है यानी मैनुअली। और जो वीड्स को हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी हम उसको निकाला जा सकता है जिसे हम बोलते हैं खुरपी, सिकल के द्वारा। वीड्स कैन ऑल्सो भी डिस्ट्रॉय, वीड्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग अ वीडीसाइड, केमिकल कॉल्ड द वीडीसाइड्स। वेरियस मेथड ऑफ वीड्स आर फॉलो, वीड्स को हम बाय पुलिंग आउट, हैंड से पुल करके भी निकाल सकते हैं, खुरपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप देख रहे हैं, या भी वीड्स को हम जो केमिकल होता है वीडीसाइड्स उसको स्प्रे करके भी हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो कॉमन वीडीसाइड्स हैं वो क्या है, 2,4-D, MCPA और बुटेचलर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड अ हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो हमारा हार्वेस्टिंग होता है। इट नॉर्मली टेक्स 3 to 4 months लगते हैं फूड क्रॉप को मैच्योर होने में। जो लस ग्रीन वीट फील्ड होते हैं या पैडी फील्ड होते हैं दे टर्न गोल्डन येलो, वो जब उनका एंड पीरियड आ जाता है तो वो गोल्डन येलो कलर के हो जाते हैं। जब लीव्स में ऐसा चेंजमेंट आता है तो ये क्या शो करता है, क्रॉप्स की मैच्योरिटी शो करता है यानी कि जो क्रॉप्स हैं वो पक चुके हैं। वंस द क्रॉप हैज बीन मैच्योर्ड, एक बार जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है इट इज़ रेडी फॉर कटिंग एंड गैदरिंग, वो फिर कट करने के लिए और कटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच द कटिंग एंड द गैदरिंग ऑफ मैच्योर फूड क्रॉप दैट इज़ कॉल्ड अ हार्वेस्टिंग, जिस प्रोसेस के द्वारा मैच्योर फूड क्रॉप को कट किया जाता है और इकट्ठा किया जाता है उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के समय में जब हम जैसे वीट और राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं दे आर कट क्लोजर टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड के बहुत ही क्लोज से कट किया जाता है बाय हैंड यूजिंग अ सिकल के इस्तेमाल से। दिस इज कॉल्ड अ मैनुअल हार्वेस्टिंग, जिसे हम बोलते हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग बोलते हैं।
और लार्ज फील्ड में जब वीट और पैडी को कट किया जाता है तो मोटराइज्ड मशीन से किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हार्वेस्टर। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा होता है थ्रेसिंग, यानी कि इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट, यानी कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट होते हैं उनमें से उनको बीट किया जाता है और उसमें से ग्रेन्स को आउट किया जाता है, और इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग इज डन टू टेक आउट द ग्रेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग। थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसिंग से हम ग्रेन्स को निकालते हैं उसके आउटर कवरिंग से, जो हस्क होता है उसको, या शेफ भी बोलते हैं। एंड द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, हार्वेस्टेड क्रॉप को फिर ग्राउंड में रखा जाता है, जो कि कैटल्स के द्वारा यूटिलाइज होता है। अब मोटराइज्ड मशीन, एक मोटराइज्ड मशीन होती है लार्ज फार्म में जो यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ थ्रेशर, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर थ्रेशिंग प्रोसेस, उसको थ्रेशिंग प्रोसेस में भी यूज किया जाता है। एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग बींग, थ्रेशिंग से जब ग्रेन आ जाते हैं उनको कट किया जाता है, ड्राई अप किया जाता है, ग्रेन इज मिक्स विद शेफ, जो ग्रेन होता है वो शेफ के साथ में मिक्स होता है, एंड इट हैज़ टू बी क्लीन बाय सेपरेटिंग फ्रॉम शेफ, और उसको शेफ से अलग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो शेफ से जो जिस प्रोसेस के द्वारा ग्रेन्स को शेफ से अलग किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग कहते हैं। व्हेन द ग्रेन मिक्स विद द शेफ एंड हे इज मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट इन ब्लोइंग विंड, द ग्रेन बींग हैवी, ग्रेन क्या होते हैं, हैवी होते हैं, वो डायरेक्टली स्ट्रेट परपेंडिकुलरली ग्राउंड में फॉल करते हैं। जो हस्क होता है, जो हे होता है, जो शेफ होता है, वो बहुत ही लाइटर होता है। दे कैरीड सम डिस्टेंस अवे बाय द विंड, विंड उसको कुछ थोड़ी दूर पर गिराता है, और इस तरीके से जो ग्रेन होते हैं वो ग्रेन का एक अलग हीप बनता है और हे का अलग हीप बनता है। आज की डेट में कंबाइंस का यूज किया जाता है, यानी कि एक ऐसी मशीन है जिसे बोलते हैं कंबाइनर। कंबाइनर क्या करता है, लार्ज फॉर्म्स में यूज करते हैं, जो कंबाइनर होते हैं, कंबाइंस होते हैं, वो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों कर देते हैं। और कंबाइन इज़ अ ह्यूज मशीन, ये एक बहुत ही बड़ी मशीन होती है, विच कट द स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप, जो क्रॉप्स होती है क्रॉप्स को कट भी कर देती है फील्ड से, थ्रेश भी कर देती है, और उसमें से शेफ, जो शेफ होता है शेफ में से ग्रेन्स को अलग भी कर देती है। हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जैसे कि पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, पोंगल्स भी मनाए जाते हैं, होली हो गया, निबानिया हो गया, बीहू, ये क्या स्पेशल फेस्टिवल है इंडिया में जो कि हार्वेस्टिंग सीजन में मनाए जाते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग आवर नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। अब हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं वो हमारे घर आ चुके हैं। फ्रेश फूड ग्रेन्स बाय हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स कंटेन मोर मॉइस्चर, इनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, देन दे रिक्वायर्ड अ सेफ स्टोरेज, इसलिए इनको सेफ स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले जो ग्रेन्स आते हैं उनको हम क्या करते हैं, ड्राई अप करते हैं कुछ दिनों के लिए, हम उसको धूप में छोड़ देते हैं, जिससे कि उनकी जो मॉइस्चर है, यानी कि जो उनके अंदर जो वाटर कट है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, उनकी मॉइस्टनेस ख़त्म हो जाए। फार्मर स्टोर द ड्राइड फूड, उसके बाद में जो ये ड्राइड फूड होते हैं उनको होम्स में मेटल के ड्रम में या जूट बैग में स्टोर करते हैं, जिसे हम जूट बैग को गनी बैग भी कहते हैं। और जो ड्राइड नीम लीव्स का यूज़ किया जाता है उनमें डालते हैं, जिससे कि उनमें इंसेक्ट ना लगे। द वीट इज स्टोर्ड एट होम इन आयरन ड्रम। गवर्नमेंट एजेंसी लाइक अ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो फार्मर से ग्रेन खरीद लेते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने में, और उसको स्टोर कर देते हैं कहाँ, गोडाउन में। और गोडाउन में क्या होते हैं, बड़े बड़े सिलोज होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रेन सिलोज या गनी बैग्स में स्टोर किया जाता है। तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टोरिंग फूड ऑन अ लार्ज स्केल टू फिल देम इन अ गनी बैग, उनको गनी बैग में स्टोर कर लिया जाता है। एंड कीप दिस गनी बैग फॉर वन, एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, एक बड़ा गोडाउन, और उसमें पेस्टिसाइड सॉल्यूशन को स्प्रे कर दिया जाता है स्टैक, जो कि ये बैग्स का जो कुछ आप देख रहे हैं फिगर 29 में किस तरीके से स्प्रेइंग हो रही है, और ग्रेनरी गोडाउन खड़े हैं, और फिगर 30 में आप देख सकते हैं जो ग्रेन सिलोज हैं जिसमें फूड ग्रेन्स स्टोर्ड हैं। ओके, नाउ
फूड फ्रॉम द एनिमल, जो फूड प्रोवाइडेड बाय एनिमल, जो फूड एनिमल्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें मिल्क एग और मीट होते हैं, हनी भी होता है। तो इसलिए फूड ऑफ जो फूड हमें एनिमल से मिलता है दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनफैक्ट एनिमल फूड प्रोवाइड, जो एनिमल फूड होते हैं दे कंटेन अ सर्टेन प्रोटीन विच आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट फूड, जो प्लांट फूड में नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द फूड ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स, इसलिए अधिकतर फूड एनिमल से भी ऑब्टेंड होता है। इनमें गुड अमाउंट ऑफ फैट भी होता है, इट कंटेन अ वेरी लिटिल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। एनिमल फूड ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। इसलिए एनिमल के फूड में भी मिनरल और विटामिन भी पाए जाते हैं। एनिमल विच प्रोवाइड अस फूड दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं मिल्क यील्डिंग फूड एनिमल्स होते हैं जिसे वो मिल्च एनिमल बोलते हैं, और दूसरे होते हैं मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स की बात करें तो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स में, हमारे मिल्च एनिमल्स में काउ, बफेलो, गोट ये आ जाते हैं, क्योंकि उनसे हमें मिल्क मिलता है जो कि नेचुरल डाइट है। मिल्क और उसके मिल्क से फिर उसके प्रोडक्ट्स रेडी किए जाते हैं, बटर, घी, कर्ड, चीज़, जो कि हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। और मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स जो होते हैं गोट, शेप, फिश, पोल्ट्री, पोल्ट्री में आ गया चिकन, हैन और डक, इन एनिमल से हमें जो पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री हमें मीट भी देती है एज वेल एज एग, एग भी प्रोवाइड करती है। हनी जो है यह दूसरा न्यूट्रिशियस फूड है, मेडिसिन पर्पस में भी काम आता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द इंसेक्ट कॉल्ड द हनी बीज। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री जस्ट एज ईच क्रॉप, जिस तरीके से हर एक क्रॉप को प्रॉपर सॉइल, इरिगेशन, मैन्योर, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड्स, हर चीज़ की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को भी फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर की आवश्यकता होती है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जो कि एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ और ब्रीडिंग, पालन पोषण करना, एनिमल्स का पालन पोषण करना क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री का कहलाता है। एनिमल हस्बेंड्री के में जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, एनिमल हस्बेंड्री में हम वहाँ पर भी बहुत सारे वेरियस प्रैक्टिसेस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। जानवरों का पालन पोषण किया जाता है, एनिमल्स को प्रॉपर फीडिंग दी जाती है, प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, उनको डिजीज फ्री रखा जाता है, प्रॉपर सैनिटेशन होता है, प्रॉपर ब्रीडिंग होती है उनकी, प्रॉपर तरीके से पालन पोषण। ओके नाउ फ्रेंड्स, जो आप एनिमल हस्बेंड्री के बारे में क्लास नाइन्थ में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड।